नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा है। लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा और विश्वास, इसके कारण ही मैं ये चुनाव जीत सका हूँ। नागपुर की जनता का और मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने और मेरे समर्थकों ने रात दिन मेरे लिए परिश्रम किया है, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के भी भाई और बहनें, उन्होंने भी चुनाव में मुझे सहयोग किया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। नागपुर को देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ, प्रदूषण से मुक्त ऐसा नंबर एक का शहर बनाने का सपना हमने देखा है। मैं फिर से एक बार उस सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा और नागपुर और विदर्भ में औद्योगिकरण होकर यहाँ के लाखों युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा और यहाँ के किसानों की उन्नति कैसे होगी, इसको भी प्राथमिकता दूंगा। विदर्भ के विकास के लिए कार्य करना तो मेरी प्राथमिकता है ही, पर मैं अपने को कभी विदर्भ तक नहीं मानता हूँ। महाराष्ट्र और देश के विकास में जो जो कार्य करने का मुझे मौका मिलेगा, वो कार्य मैं पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगा। फिर से एक बार नागपुर की जनता का, मतदाताओं का और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेरे लिए परिश्रम किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, विदर्भा मध्ये भारतीय जनता पक्षाला दोनच सीटेवर समाधान मानावं लागलं, काय सांगाल? मैं केवल आभार व्यक्त करने के लिए आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हूँ, बाकी सवालों का जवाब बाद में दूंगा।